देखो अगर सत्य शोधक विचार अगर थम गए, तात्या साहब और महात्मा फुले जी भगवान बन गए, तो हम लोग तात्या साहब महात्मा फुले जी का मंदिर बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, बाबा साहब की को भगवान बनाएंगे, उनकी मूर्ति बनाएंगे, उनका मंदिर बनाएंगे, और उस मंदिर में यही ब्राह्मण पुरोहित वहां बैठेंगे और आपको कहेंगे आपको तात्या साहब महात्मा फुले जी का दर्शन देना है, लाइन में खड़े हो और इस पेटी में 500 रुपए 1000 रुपए दक्षिणा डाल, जो 5000 देगा उसकी अलग से लाइन, उसको जल्दी से तात्या साहब फुले जी का दर्शन हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, बोध गया का बोध गया तथागत गौतम बुद्ध क्रांतिकारक जिन्होंने वर्ण व्यवस्था खत्म करने की क्रांति की, जिन्होंने मनुवाद को खत्म करने की क्रांति की, वो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बहुत से बड़ा विहार था। आज जाइए वहां पे बोध विहार नहीं है, वो बोध गया मंदिर बन गया है, मंदिर बन गया है और ये पत्थर के भगवान बन गए हैं और सभी दुनिया के बहुत बुद्धिस्ट भक्त, सभी दुनिया के भारत के भी सभी दुनिया के बुद्धिस्ट भक्त उनका दर्शन के लिए बोध गया मंदिर में जाते हैं। तो ये परिवर्तन हमारे तात्या साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं होना चाहिए। इसलिए साहब ने जो बताया कि ये जो भारत रत्न है ये कतई देना नहीं चाहिए, ये उन्होंने ठीक कहा है। दूसरी बात, महापुरुषों को भगवान बना देने के बाद वो कहते हैं कि कॉमन लोग से तो भक्त बन जाएंगे, लेकिन उनको भक्त बनाने से रोक रहे हुए वो जो साहित्यिक है, वो जो विचारवंत है, वो जो कार्यकर्ता लोग है, उनको कैसे रोका जाए? उनको भगवान बनाने के बाद कॉमन लोग तो भक्त बन जाएंगे, लेकिन ये लोग भक्त नहीं बनना चाहिए, इसलिए जो काम कर रहे हैं साहित्यिक विचारवंत कार्यकर्ता उनको कैसे रोका जाए? तो वो रोकने के लिए उन्होंने सनातन संस्था का निर्माण किया। तो ये जो कार्यकर्ता लोग है इनकी बोलती बंद करनी है। पहले उन्होंने कहा दावल पर मार देंगे, मार दिया, बाद में कहा पांच के साहब को मार देंगे, मार दिया। लेकिन ध्यान में रखो उन्होंने संदेश ये दिया है, दावलकर जी ब्राह्मण समाज से थे, हम तो नहीं मानते लेकिन वो मानते हैं, जो कार्यकर्ता काम करता है उनकी हम जात नहीं पूछते, लेकिन दावलकर साहब का खून करके उन्होंने हमें ये संदेश देना चाहा कि भाई हम हमारे ब्राह्मण लोगों को नहीं छोड़ते, तुमको कैसे छोड़ेंगे?